विवेक आवाज आ रही है, बाहर चलो विवेक जी। किशोर देखिए, किशोर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए शरद पवार जी की पत्नी प्रतिभा जी अभी वोट डालकर बाहर आई हैं, और शरद पवार की पत्नी के साथ साथ उनकी जो बाकी जो परिवार है वो सब सामने अभी आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में वोट डालकर बाहर आए हैं। उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। सुप्रिया सुले अभी पोलिंग बूथ में है, वो वहाँ पर अपना मतदान कर रही है, क्योंकि ये जो है ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किशोर, क्योंकि ये जो लड़ाई है बारामती की वो पवार वर्सेज पवार यानी कि भाभी और ननद की लड़ाई है। इस स्थिति की जितने भी जो फीमेल पावर है पवार फैमिलीज के, वो खुद घर से बाहर निकली हैं और वोटिंग करने उतरी हैं, तो तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा अहम बताई जा रही है कि जितनी भी महिलाएं हैं पवार परिवार में वो खुद बाहर निकली हैं और लोगों से अपील कर रही हैं कि इस बार वो बारामती में लोग बाहर आएँ, क्योंकि देखिए किशोर 11-12 बजे के आसपास यहाँ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 37-38 डिग्री चल जाएगा, बहुत तेज़ गर्मी होगी, लू चलना शुरू हो जाएगी। इसलिए लोग अपील कर रहे हैं, जितने भी नेता हैं जो बड़े बड़े लोग हैं और जो खासकर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि सुबह के समय भारी मात्रा में घर से बाहर निकलें और अपना मतदान करें। और जिससे मैंने आपको बताया कि यहाँ की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा अहम है। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं और सुनीता पवार अजीत पवार की वाइफ हैं, तो ये जो लड़ाई है काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। इसलिए देखिए दोनों परिवार की महिलाएं खुद अपने आप से घर से बाहर निकली हैं और मतदान करने के लिए बाहर निकली हैं, और कैमरे के सामने सबको ये एक इंडिकेशन दे रही है कि इस एज में और इस उम्र में लोग जब घर से बाहर निकल के मतदान कर सकते हैं, तो बाकी लोग भी बारामती के जो लोग हैं वो बाहर निकलें मतदान करें, तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट। विवेक भाई, एनी चांस क्या आपका मौका पड़ा है कि आप वोटिंग परसेंटेज इस वक्त कितना रहा है महाराष्ट्र की सुप्रिया सुले खुद इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहुंच रही है वोट, खुद पहुंच गई है वोट डालने के लिए। हाँ, तो महाराष्ट्र की 11 सीटों में बारामती एक है जिस पर चुनाव हो रहा है, तो विवेक कुछ जानकारी मिल पाई हो तो? विवेक देखिए मध्य प्रदेश में सुबह 14% मतदान हुआ है, गुजरात में 9.83% हुआ है, महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे तक सिर्फ 6% 6.64% मतदान हुआ है गुजरात में। ना कि वहां पे 37 डिग्री का टेम्परेचर है। नितिन गडकरी याद कीजिए, आप महाराष्ट्र में एक सभा में बात करते करते बेहोश हो गए थे, ये वहां की गर्मी बहुत खतरनाक है। चंद्रमोहन पुकार रहे हैं, चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए मौसम का कितना असर होता है ये हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले बिहार में जहां भी वोटिंग हुआ वहां पर प्रतिशत कम जरूर हुआ और दिन में लोग दिखाई नहीं दिए, लेकिन अभी मौसम खुशनुमा हुआ तो ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रहलाद जोशी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। नम क्षेत्राद्यंत इवत्तु नम क्षेत्राद्यंत मत्तु राज्याद्यंत बेळिगे मतदान शुरू आगता इद्दंगेने कर्नाटक की 14 सीटों पर आज मतदान है। कर्नाटक की 14 सीटें जो पहले हो चुकी है मतदान और 14 पर अब है, कुल मिलाकर 28 सीटें हैं, तो पूरे कर्नाटक में आज मतदान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 14.07% मतदान हुआ है। गुजरात में सुले बाहर निकल रही हैं, विवेक इशारा कर रहे हैं वो जी। विवेक, सुप्रिया सुले आपके साथ हैं। किशोर, हम सुप्रिया सुले से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी बोले कि जो नियम होता है कि काउंटिंग सेंटर से 100 मीटर्स के बाहर ही वो मीडिया से बात कर सकती हैं, उनसे बात करने की कोशिश करके पहले वो अपने परिवार से बात कर रही हैं, अपने परिवार के साथ बातचीत कर रही हैं। और जिस तरह से जो इलेक्शन कमीशन का नियम है कि काउंटिंग सेंटर से 100 मीटर दूर या 100 मीटर के बाहर के जाने के बाद ही कोई कैंडिडेट बात कर सकता है, कोई पॉलिटिशियन नेता बात कर सकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे सुप्रिया सुले से बात करने की। लेकिन देखिए किस तरीके से अपने पूरे परिवार के साथ आई हैं और हर एक परिवार के मेंबर्स के साथ वो बाहर निकल रहे हैं वोट लेकर, और ये लड़ाई इसलिए विवेक है। विवेक विवेक आप बार बार कह रहे हैं पूरे परिवार के साथ आई हैं, पूरा परिवार ही तो साथ नहीं है, परिवार में ही तो लड़ाई हो रही है, वहाँ पर आधे परिवार के साथ आई हैं और इसीलिए परिवार साथ लाई है कि देखिए परिवार मेरी तरफ है। पीछे आ जाओ। बस कुछ ही देर में सुप्रिया सुले वहां मीडिया से बात करेंगी, उसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो चंद्रमोहन अपनी बात तब तक फिनिश कर लें। चंद्रमोहन,
बिल्कुल देखिए मौसम का कितना असर होता है ये हम आपसे थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे और उसी की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब बिहार में तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंच गया था उस समय लोगों को घरों से निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और हम अभी मौजूद हैं अररिया जिले के एक सुदूर देहाती गाँव में, मटियारी इलाका है, जहाँ पर आपको कतार में सैकड़ों की संख्या में लोग दिख जाएंगे, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। प्रशासन ने साफ तौर पर लोगों से अपील किया था कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलें और उसके बाद मतदान करें और उसका कहीं ना कहीं ये तस्वीर दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर मटिहारी इलाके में भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है और लोगों से किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है इसको लेकर भी पूछताछ कर रही है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मौसम जो खुशगवार हुआ है उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर बूथों तक पहुंचे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। भले ही शहरों में ये भीड़ दिखाई न दे लेकिन गाँव और यही तो हो रहा है कि शहरों में धूप ज्यादा लग जा रही है और रूरल एरियाज में मानो जैसे धूप नहीं आ रही है। निकलिए बाहर, ये तस्वीरें देखिए आप, सुशील कुमार शिंदे हो, अमरावती में अजीत पवार हो, सीहोर में शिवराज सिंह चौहान हो या फिर इटावा में अक्षय यादव हो, ये तमाम वीआईपी आज मैदान में उतरे भी है, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उम्मीदवार के तौर पर और मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि एक बार फिर से वो तमाम हमारे जो साथी हैं वो एक एक करके अपनी बात रख लें। अमित सिंह, डिंपल यादव मैनपुरी में इस वक्त अपनी किस्मत आजमा रही है, जयवीर सिंह उनके खिलाफ है बीजेपी के और शिव प्रसाद जो है वो बीएसपी से, वहां पे वो आपके गुलाबी गुब्बारे दोबारा आ चुके हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। जी सिंह साहब बताइए क्या माहौल। जी रूबी, देखिए रूबिका, जयवीर सिंह तो अपना वोट कास्ट करके लगातार वो अपने इलाके में घूम रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव और डिंपल यादव थोड़ी देर में ही यहीं पर पहुंचने वाला है। मैं यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं, रस्सी लगा दी गई है और अगले कुछ ही मिनट में बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों यहाँ पहुँच जाएंगे। अखिलेश यादव, डिंपल यादव जैसे ही अपना वोट कास्ट करेंगे बगल में ही यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, अब यहाँ पर निकलेंगे और जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल सुबह में जब रामगोपाल यादव यहाँ पर पहुंचे थे तो मीडिया अंदर यहां पहुंच गई थी, जो यहां के जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिस पर ऑब्जेक्शन किया था, जिसके बाद यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ जयवीर सिंह, जो कि डिंपल यादव के ओपोनेंट है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, वो अपना वोट कास्ट करने के बाद लगातार मैनपुरी में के दौरे कर रहे हैं। तो जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव फिलहाल मैनपुरी के जितने भी बूथ हैं, जो उनके बूथ एजेंट्स हैं, जो उनके बड़े नेता हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल मैनपुरी में सब कुछ सुचारू तरीके से सही तरीके से चल रहा है और जो वोटिंग परसेंटेज अगर हम बात करें, मैं रोक रहा हूं आपको, आप मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे, लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन